ट्रक ड्राइवर आज के समय में संपूर्ण भारत में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों और गांव से लेकर शहर तक आना जाना करते हैं, जो कि सभी प्रकार के जीवन उपयोगी चीज को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस दौरान उनके जीवन की रक्षा करना सभी प्रकार के लोगों का फर्ज और कर्तव्य बनता है। अगर आज वे सुरक्षित हैं तो सड़क सुरक्षित है, सभी लोग सुरक्षित हैं। आज के समय में जो भी प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट लगे हुए हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ जमा हो रही है, केवल अवैध रूप से वसूली के लिए, जो कि कोरोना संक्रमण घातक साबित होता दिख रहा है। सभी प्रकार के गाड़ियों को इंटरनेट काटे पर सभी प्रकार के कागजात चेक करें और गाड़ी को ना रोके, जिससे भीड़ जमा नहीं होगी और ड्राइवर अपना सफर भय मुक्त कर सकें। ऐसी अपील ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने की है। वैसे ही ज्वाइंट एक्शन कमेटी सरकार से निवेदन करती है कि सरकार राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कुछ दिन के लिए सभी प्रकार के आरटीओ चेक पोस्ट को बंद करने का प्रयास करे, जिससे हाईवे पर जाम नहीं लगेगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक कोरोना का संकट चल रहा है, चेक पोस्ट बंद रखने का आह्वान भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने किया है। वैसे ही ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने सरकार और नागरिकों के लिए एक कविता लिखी है। आओ मिलकर भारत को एक बनाएं हम, परखे अपने को हम, भारत को क्या बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। भारत एक या भारत अनेक, पहले भारत को चार भागों में बांटा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब हम उससे भी बुरा कर रहे हैं। हम हर एक स्टेट को एक भारत बना रहे हैं और जातिवाद जहर हर जगह फैला रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, चलो अच्छी शुरुआत करें, भारत अनेक नहीं एक है, उसे एक बनाएं, सब कुछ भूलकर मानव बन जाएं, चार भाइयों को एक बनाएं। यह प्रहलाद अग्रवाल द्वारा लिखी पंक्तियां हैं। आओ, मैं प्रहलाद अग्रवाल, 78 ईयर ओल्ड, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। आओ मिलकर भारत को एक बनाएं, हम परखें अपने को, हम भारत को क्या बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। भारत एक या अनेक, पहले भारत को चार भागों में बांटा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब हम उससे भी बुरा कर रहे हैं। हम एक हर स्टेट को भारत बना रहे हैं। आओ जातिवाद और जातिवाद का जहर जनता में फैला रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, चलो अच्छी शुरुआत करें, भारत अनेक नहीं एक है, उसे एक बनाएं, सब कुछ भूलकर मानव बन जाएं, महान भारत को एक बनाएं। भाइयों और मेरे बच्चों, हमको मिलकर जो अच्छे नेता हैं उनको आगे लाना पड़ेगा, या जो देश के लिए काम करना चाहता है उनको आगे लाना पड़ेगा। और एक चीज मैंने और समझी थी कि जिस आदमी में पेशेंस है, एक समोसे बेचने वाले की स्टोरी मेरे को मालूम पड़ी, 2 से 3 प्लेट या 5 प्लेट समोसे बेचता था, पर उसका समोसा इतना अच्छा था कि आज वो 100 प्लेट मिनिमम बेचता है और 3 से 7 बजे तक काम करता है, सिर्फ 4 घंटे, और ऑर्डर भी उसको मिलते हैं तो डायरेक्ट करता है। तो हमको उससे सीख के अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना जगाना चाहिए, न कि जो हमको सरकार से भीख मिलती है वो मांगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे इस चीज को सोचेंगे और इस पे अमल करेंगे। जय हिंद। साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र मिश्रा, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा का संस्थापक हूँ। आज जो स्थिति देश के अंदर में चल रही है, विदेशों में भी चल रही है, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, इन्होंने सभी प्रकार से अपने कड़े मुस्तैद तैयार किए हुए हैं। सभी जगह पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन एक पाबंदी नहीं लगाई गई है, जो नेशनल हाईवे के अंतर्गत में आरटीओ चेक पोस्ट आते हैं, वहां पे जाके देखें तो हजारों हजारों गाड़ियां जाम में फंसी हैं। एक ड्राइवर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलता, हर स्टेट को पार करता, हर स्टेट में हर प्रकार के लोगों से संपर्क होता है, लेकिन जब वो अधिकारी के पास आता है तो वहां पे अधिकारी संक्रमित होता है कि ड्राइवर संक्रमित होता है, एक दूसरे को पता तो नहीं है। इस विषय को लेकर मैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मांग करता हूं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करता हूं कि कुछ दिन के लिए, जब तक ये कोरोना का संकट काल गहरा रहा है, बढ़ रहा है, तो चेक पोस्टों में गाड़ियों को ना रोका जाए, उनको इंटरगेट जो बैरियर है, कांटे हैं, वहां पे पूरे पेपर चेकिंग हो जाते हैं, पूरे पेपर स्कैन हो जाते हैं, उनको गाड़ियों को आगे जाने दें, बॉर्डर में किसी प्रकार से जाम ना लगाएं, ऐसी हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं
कि इस तरह से अगर प्रशासन शासन करेगी तो कहीं न कहीं लोगों को फायदा मिलेगा, मर्ज कम बढ़ेंगे और लोगों में आने जाने का सहूलियत प्रदान होगी। इसी आशा विश्वास से जय हिंद जय भारत। वाणी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।